ज्योत्सना सिंह हेल्दीराज में आप सभी का स्वागत करती हूं। हेल्दीराज न्यूज के माध्यम से हम एक बार फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से जुड़ी हुई खबरें आप तक लेकर आए हैं। इससे पहले कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए बिल्कुल भी समय न गवाते हुए आज शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और आपको ले चलते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की खबरों की ओर। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि क्या कदम उठा रही है सरकार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता को लेकर। वहीं आपको ले चलेंगे हरियाणा के गुरुग्राम स्थित आयुष्मान कैंसर पेन एंड पैलेटिव केयर सेंटर में, जहां पर कैंसर के मरीज को राहत दी गई। और सिन्हा इलेक्ट्रोहोम्यो अनुसंधान केंद्र के संबद्धता प्राप्त महाराष्ट्र के औरंगाबाद में खुलने जा रहा है कैंसर पेन एंड पैलेटिव केयर सेंटर। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर है हरियाणा के गुरुग्राम से। गुरुग्राम स्थित आयुष्मान कैंसर पेन एंड पैलेटिव केयर सेंटर में महाराष्ट्र से आए कैंसर मरीज को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा गैंगिनॉल फोर्ट से राहत पहुंचाई गई। पेट के कैंसर से पीड़ित मरीज को जब कैंसर के दर्द में तुरंत राहत पहुंचाने वाली दवा गैंगिनॉल फोर्ट लगाई गई तो उसके अद्भुत परिणाम देखने को मिले। इस कैंसर रोगी का कैंसर गले तक पहुंच गया था। वह असहनीय दर्द से परेशान तो था ही, साथ ही कुछ भी खाने पीने में असमर्थ था, पर जैसे ही उस पर ईएचपी दवा गैंगिनॉल फोर्ट लगाई गई उसे दर्द में काफी हद तक राहत मिली और अब उसे खाने पीने में भी कोई परेशानी नहीं है। मेरे पिताजी को पेट का कैंसर हुआ था, लीवर में 30-35 ट्यूमर थे। डॉक्टर ने 4 स्टेज बताया कैंसर का। उनको हमने 4 केमो दिए लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हुआ, दर्द और बढ़ने लगा। मुझे यूट्यूब चैनल पे जानकारी मिली आयुष्मान कैंसर एन एन पैलेटिव कैंसर सेंटर गुड़गांव हरियाणा के बारे में। वहाँ से डॉक्टर गोला का कांटेक्ट मिला, उन्होंने हमें 8 दिन की दवा दी शुरुआत में गैंगरल फोर नाम से। हमने वो दवा का उपयोग दिन में 3 बार किया। जो पेशेंट पानी तक नहीं ले रहा था वो खाना खाने लग गया। हम आपको ये बताने जा रहे कि वो दवा की रिजल्ट कैंसर पेशेंट को जीवनदान देने वाली है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित गोला, डायरेक्टर आयुष्मान कैंसर पेन एंड पैलिएटिव सेंटर। हमारे यहाँ पर एक पेशेंट जो कि महाराष्ट्र से चल रहा था और जिसने 1 सप्ताह मेडिसिन मंगाई कैंसर की, जिसने हमारी मुख्य रूप से हमने गैंगिनॉल फोर्ट मेडिसिन को वहाँ भेजा और पेशेंट को 1 सप्ताह के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद में दोबारा से उन्होंने 1 सप्ताह की मेडिसिन मंगाई और मंगाने के बाद में पेशेंट पे अप्लाई किया और वो पेशेंट जो कुछ भी खा पी पान नहीं पा रहा था, आज वो पेशेंट बहुत अच्छे से खाने पीने लगा है। और उनके अटेंडेंट हमारे यहाँ आज महाराष्ट्र से चल करके आए और जो वापस से यहाँ मेडिसिन लेने के लिए कि पेशेंट पे कंटिन्यू करें और बहुत अच्छा रिजल्ट उन्हें मिले कि गैंगिनॉल फोर्ट मेडिसिन हमारी एक ऐसी मेडिसिन जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है हमारे कैंसर पेन एंड पैलेटिव में। और हमारा सेंटर आयुष्मान इलेक्ट्रोपैथी कैंसर पेन एंड पैलेटिव सेंटर, अमर कॉलोनी, पटौदी रोड, गुरुग्राम, हरियाणा। अगली खबर है महाराष्ट्र के औरंगाबाद से, जहां कैंसर मरीजों के लिए जल्द ही खुलने वाला है लक्ष्मी देवी कैंसर पेन एंड पैलेटिव केयर सेंटर। सिन्हा इलेक्ट्रोहोम्यो अनुसंधान केंद्र के प्रशासनिक कार्यालय में महाराष्ट्र से आए ईएच चिकित्सक डॉक्टर निवृत्ति एम सोनवड़े ने अपने शहर औरंगाबाद में लक्ष्मी देवी कैंसर पेन एंड पैलेटिव केयर सेंटर खोलने की सेहत से संबद्धता प्राप्त की। सेहत के निदेशक डॉक्टर केपी सिन्हा, उप निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा एवं रिसर्च एडवाइजर डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा द्वारा डॉक्टर निवृत्ति एम सोनवड़े को सेंटर खोलने के लिए सभी दिशा निर्देश समझाए गए। साथ ही डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा ने डॉक्टर निवृत्ति को कैंसर पेन एंड पैलेटिव केयर सेंटर खोलने के लिए सेहत की ओर से उन्हें शुभकामनाएं भी दी। आज हमारे सिन्हा इलेक्ट्रोहोम्यो अनुसंधान केंद्र के प्रशासनिक कार्यालय में महाराष्ट्र औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से गंगापुर तालुका से डॉक्टर निवृत्ति एम सोनवणे जी आए
और उन्होंने लक्ष्मी देवी कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर के नाम से संबद्धता प्राप्त की और बहुत सारे कैंसर मरीजों का यहाँ पे उन्होंने डेटास देखा, कुछ मरीजों के लाइव ट्रीटमेंट देखे। आज कुछ दिनों से इनकी ट्रेनिंग भी चल रही है, करीब 3-4 रोज से, और ट्रेनिंग के दरमियान में बहुत सारे मरीजों के लाइव ट्रीटमेंट भी देखे हैं। करीब 3 महीने पहले इनका रिक्वेस्ट लेटर आ चुका था हमारे यहाँ, क्योंकि उस समय इन्होंने टेलीफोनिक कुछ मरीजों के वहां से रिपोर्ट्स भेजे थे व्हाट्सएप से या मेल के थ्रू, और उसमें ट्रीटमेंट दिया गया था जो डिस्टेंस मोड से ट्रीटमेंट दी जाती है, जैसे कि मेडिसिन प्रोवाइड करा देना उस कंप्लेंट के अनुसार, और उसके जो रिजल्ट उन्होंने देखा उस समय, उसी समय वो उन्होंने ठान लिया था कि अब हमें यहाँ कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर अपने तालुका में रखना है, और उस रिक्वेस्ट लेटर तो उसी समय भेज दिया था बट करीब 2-3 महीने पहले ही, और अब भी वो आकर और लक्ष्मी देवी कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर के नाम से संबद्धता प्राप्त किया है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की ओर। जी हाँ, सरकार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता को लेकर। 4 साल पहले DHR द्वारा गठित IDC ने ये चिकित्सकों से प्रस्ताव मांगे थे, वहीं तब से लेकर अब तक कई बैठकें हो चुकी हैं। इसी कड़ी में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास में विगत 50 वर्षों से लगे सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र ने भी स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 18 जुलाई 2022 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता को लेकर सेहक ने अपनी टीम डॉक्टर KP सिन्हा, डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा, डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा, डॉक्टर वी कुमार, डॉक्टर ललित गोला एवं डॉक्टर सुखवीर द्विवेदी के साथ प्रपोजल की कॉपी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को सौंपी। इससे पहले सेहत की टीम 14 जुलाई 2022 को प्रपोजल की सॉफ्ट कॉपी विभाग को सौंप चुकी थी। आज हम लोग 18 जुलाई को पूरी सेहत की टीम अपने DHR में प्रपोजल के साथ उपस्थित हुई है, और ये प्रपोजल हेल्थ मिनिस्ट्री के रिक्वेस्ट पर लाया गया है। सेहक को याद किया गया है कि आप अपनी जो अहम भूमिका है उसको निभाएं लाकर, और हम लोगों ने प्रपोजल जो तैयार किया है इसका बेस जो है इलेक्ट्रोमोपैथी की रियलिटी। अपना उद्देश्य शुरू से यही रहा है कि हमें रिकॉग्निशन चाहिए, बट इलेक्ट्रोमोपैथी के नाम पर किसी और साइंस को नहीं, हमें इलेक्ट्रोमोपैथी की ही रिकॉग्निशन चाहिए, और वो भी मैटी की दी हुई साइंस को। इसलिए हम लोगों ने मैटी को बेस बनाया है अपने प्रपोजल में, और इस प्रपोजल को एविडेंस बेस, इसकी एक एक लाइन एविडेंस बेस है, इसमें कुछ भी मेंशन किया गया है उसके प्रमाण मौजूद हैं। इसलिए हम लोग पूरी तैयारी में है कि अगर 27 जुलाई को जिस दिन ये IDC मीटिंग कर रही है, अगर वो किसी भी हमारे प्रपोजल के एक एक शब्द के साक्ष्य मांगेगी तो उसको हम लोग प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। एक्चुअली हम लोगों का कदम जिस तरह से बढ़ रहा है और डेवलपमेंट इलेक्ट्रोमोपैथी का हो रहा है, हमारे जो कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर पूरे इंडिया में चल रहे हैं। अभी रिसेंटली आपको जैसे गुड़गांव में हमारा आयुष्मान कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर चल रहा है, अपने पिक पर है। दूर दूर से अगर आपके किसी भी सेंटर में 1000-2000 किलोमीटर से अगर मरीज चल के आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट कही जाएगी इलेक्ट्रोमोपैथी के लिए। और मैं चाहूंगा कि 27 जुलाई की मीटिंग में हम अपनी IDC को इस सारे अचीवमेंट से अवगत कराओ, और ऐसी अचीवमेंट देखकर शायद ही ऐसा कोई होगा, क्योंकि जब डॉक्टर सेन पाठक जैसी शख्सियत ने हमें सराहा, अप्रिशिएट किया अगर हमारे काम को, तो IDC भी जरूर हमें सराहेगी और हमें जो हमारा पारितोषिक होगा वो हमें देगी। HRD ऑफिस में आए हैं जिसमें सेहक की टीम से विशेष तौर पर प्रपोजल मांगा गया है, तो आज हम यहाँ पे अपना प्रपोजल जमा कराने के लिए आए हैं, और हम आशा करते हैं यानी IDC की कमेटी से कि वो हमारे प्रपोजल को विशेष रूप से ध्यान देवे, और हम उम्मीद करते हैं कि IDC इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विषय में एक अच्छा फैसला हमारे को दे 27 जुलाई को। नमस्कार, आज हम जो HRD में आए हैं सेहक की तरफ से जो उन्होंने प्रपोजल मांगा गया था, IDC ने जो दिया है आज, कहा था उनको जमा करने के लिए, तो उसमें हमें बड़ी हर्ष के साथ में इनके साथ के साथ आए हैं कि अब आगे जाके इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो अच्छे काम होने वाले हैं या होंगे या मानदा के लिए जो भी IDC ने मांगा था तो सबने आज सबमिट किया हुआ है, और यहाँ पे देने के बाद हमें काफी खुशी हो रही है कि आगे से एक अच्छा काम करेगी और हमें जल्दी जल्दी मान्यता मिलने की पूर्ण तरह से उम्मीद है। धन्यवाद। आपको बता दें कि 7 जुलाई 2022 को स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने एक पत्र के माध्यम से सेहक को ये निर्देश दिए थे कि वह शीघ्र ही
इलेक्ट्रोहोमोपैथी की मान्यता को लेकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत करें और आगामी 27 जुलाई को होने वाली आईडीसी की अहम बैठक में अपनी विशेष भूमिका निभाए। इससे पहले भी सेहक की इलेक्ट्रोहोमोपैथी की मान्यता एवं विकास से संबंधित विषयों पर एक अहम बैठक सरकार के साथ हो चुकी है। 29 जून 2021 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री की अध्यक्षता में उनके ही कार्यालय में सिन्हा इलेक्ट्रोहोमी अनुसंधान केंद्र की ओर से डॉक्टर केपी सिन्हा, डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा, डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा और डॉक्टर वी कुमार के साथ एक अविस्मरणीय बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में मुख्य रूप से आईडीसी के अध्यक्ष डॉक्टर वी एम कटोच, ICMR और DHR के अधिकारी मौजूद रहे। इसी बैठक में सेहक द्वारा इलेक्ट्रोहोमोपैथी की वास्तविकता और इसके वैज्ञानिक पहलुओं से बैठक में सम्मिलित हुए सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया था। साथ ही 164 पृष्ठ का प्रस्ताव भी उन्हें सौंपा गया था। अब नजर होगी 27 जुलाई को होने वाली आईडीसी की अहम बैठक पर, जहां पर यह बात साफ होगी कि क्या भारत में इलेक्ट्रोहोमोपैथी को मान्यता मिलेगी। यह वो सवाल है जिसका भारत के सभी ईएच चिकित्सक इंतजार कर रहे हैं। तो ये थी इलेक्ट्रोहोमोपैथी से जुड़ी वह खबरें जिनसे आपका सरोकार था। हम आगे भी आप तक इलेक्ट्रोहोमोपैथी से जुड़ी हुई खबरें पहुंचाते रहेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलेगा, क्योंकि जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, मैं आपसे लूंगी इजाजत। नमस्कार।